नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम भाग्योदय में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, इसका द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को बताएंगे। मूलांक के बारे में बात करेंगे, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे और दिन को बेहतर करने के लिए आपको एक सलाह देंगे। लेकिन सबके पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 28 जून 2019 दिन शुक्रवार, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष दसवीं तिथि, प्रातः 6:37 तत्पश्चात एकादशी लग जाएगी। अश्विनी नक्षत्र प्रातः 9:12 तत्पश्चात भरणी नक्षत्र लगेगा। सुकर्मा योग रात्रि में 11 तक, तत्पश्चात धृति योग लगेगा। चंद्रमा मेष राशि में है और लखनऊ में राहु काल प्रातः 10:25 से यानी 10:25 से 12:09 तक है। शुक्रवार का दिन है, पश्चिम दिशा यात्रा नहीं करना, दिशा शूल है। लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक है तो श्वेत मिष्ठान खाकर आप यात्रा करें, यात्रा सुखद होगी। एक महत्वपूर्ण बात कि प्रातः भद्रा 6:37 तक है और कुमार योग प्रातः 9:12 तक है और रात्रि में 1:27 पर शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। अब आइए बात करते हैं वास्तुमंदिक महाउपाय। शुक्रवार के दिन मिट्टी के कुल्हड़ में, मिट्टी के बर्तन में पंचामृत बनाएं, शिवलिंग पर अभिषेक करें। दूसरा कार्य कि शुक्रवार के दिन नीम और अशोक की पत्ती, नीम की पत्ती, इनका बंधनवार द्वार पर लगाया जाए तो आपके भाग्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है, बहुत लाभ है। काम अगर बन नहीं रहे हैं, बंधनवार आप शुक्रवार को लगाइए, काम बनेंगे आपके। तो आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र का राशि परिवर्तन। अभी तक शुक्र वृषभ राशि में था, अब मिथुन राशि में आ गया। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध के घर में जब शुक्र आ जाता है तब त्वचा के विकार हो जाते हैं, क्योंकि तो शुक्र बुध की बनती नहीं है। यद्यपि बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, वो जिसके साथ होता है वो ऐसा व्यवहार भी कर लेता है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन शुक्र जो ग्लैमर का, चमक का और बहुत अधिक रंगीन दुनिया का जो स्वामी है, अगर वो पृथ्वी तत्व में आ जाए, शुक्र जो जल तत्व है, अगर पृथ्वी तत्व में आ जाता है तो पृथ्वी तत्व जल को सोख लेता है और जल जब सोख लेगा तो वहाँ दाग पड़ जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे। तो ये सामान्य बात है कि जब शुक्र बुध के घर में आता है तो त्वचा के विकार बन जाते हैं। अब आपका शुक्र गड़बड़ है या बुध गड़बड़ है तब तो ये विकार होगा, लेकिन शुक्र यदि आपका ठीक है, बुध आपका बेहतर है तो विकार कम होंगे और वो क्योर हो जाएंगे, दवा करने पर उनका लाभ हो जाएगा। आषाढ़ महीने में छाछ का प्रयोग करना चाहिए, लाभ होता है। आषाढ़ महीने में, क्योंकि आषाढ़ महीना है ये और दसवीं तिथि प्रातः, उसके बाद एकादशी लग गई, तो आषाढ़ महीने में जब शुक्र परिवर्तन कर लेता है बुध राशि में तो आपके राशियों पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातक, मित्रों से, भाई बंधुओं से तनाव हो जाएगा और कान में दिक्कत आ सकती है, दाहिने कान में कोई दिक्कत, फंगस लग जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो आप थोड़ा सावधान रहिए। वृषभ राशि के जातक, पैतृक धन से संबंधित कोई विवाद बन सकता है, कुटुंब में कहासुनी हो सकती है, ऐसा भी योग बना हुआ है। क्या करना चाहिए आपको, शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बड़ा लाभ होगा। मिथुन राशि के जातक, आपके राशि में शुक्र का आना तो वहाँ पहले से राहु है, मंगल है, मंगल तो बदल गया है, तो राहु के कारण बहुत तनाव होगा, त्वचा के विकार, चेहरे पर विकार आ सकते हैं। क्या करना चाहिए, नारियल तेल का प्रयोग करिए, लाभ होगा। कर्क राशि के जातक, शुक्र का मिथुन राशि में आने पर आपकी बाईं आंख से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है, आप विदेश जाने का योग भी बन रहा है और साथ ही साथ
जो आपके विरोधी हैं वो परास्त हो जाएंगे। सिंह राशि के जातक, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, महिला मित्र से लाभ का योग बना हुआ है और वाहन काला पुत्र से संबंधित लाभ का योग बना है। अन्य बची जो राशियां हैं उनकी बात हम अल्प विराम के बाद करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं चार राशियों का दैनिक राशिफल। मेष राशि के जातक, अपने स्वभाव को सामान्य रखें, क्रोध ना करें, परिजनों का उनकी सेवा करें, उनका साथ दें, समय दें और आज के दिन नीम की पत्तियों को घर में लाना लाभकर है। आप नीम पत्ती खाएंगे तो आपका शुगर मधुमेह रोग भी ठीक होगा और आज के दिन आपको हरे रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका आज के दिन 73%। वृषभ राशि के जातक, अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा, यात्रा का भी योग अचानक बन सकता है, संतान संबंधी कोई समस्या आ सकती है, जीवन साथी से किसी बात को मत मुटाव हो सकता है। क्या करना चाहिए? आज के दिन आपको केला की वृक्ष जो है उसे उसकी जड़ में जल डालें, बड़ा लाभ होगा। और आज आपको चाहिए श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 62% है। मिथुन राशि के जातक, अतिथि घर में आ सकते हैं और जानवरों को चारा देना लाभकर होगा। विचार करके कार्य करें, योजना बना के कार्य करें। पहाड़ों पर जाना आपका उचित नहीं है, पहाड़ों की यात्रा ना करें। और उत्तम होगा कि आज के दिन श्री हनुमान जी की पूजा करें, हरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका 83% है। कर्क राशि के जातक, धन का लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, कोई धन या कोई महत्वपूर्ण वस्तु गायब हो सकती है, मानसिक तनाव आ सकता है। तो आज के दिन आपको श्री कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपका 4 है, भाग्य आपका 84%। अल्प विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल के बारे में। सिंह राशि के जातक, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और अनावश्यक रूप से किसी पर संशय ना करें। परिवार में किसी बात को लेकर मत भिन्नता भी हो सकती है। सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, आज वस्त्र दान करना बड़ा उत्तम है, पीला वस्त्र दान करें और स्वयं श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक आपका 9 है, भाग्य आपका 90%। कन्या राशि के जातक, भाई बंधुओं में आपस में मत भिन्नता हो सकती है किसी बात को लेकर। यात्रा का योग बन रहा है, कोई नया व्यवसाय भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसा भी योग है। सोच समझ कर कार्य करें, चावल पका हुआ गाय को खिलाएं, बड़ा उत्तम होगा। और आज के दिन आपको चाहिए आसमानी रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 5 है, भाग्य आपका 56%। तुला राशि के जातक, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, अचल संपत्ति में वृद्धि का संकेत है, विरोधी परास्त होंगे और तांबे के सिक्के या तांबे का छल्ला धारण करना बड़ा लाभकर होगा। और आज के दिन आपको चाहिए समुद्री हरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 7 है, भाग्य आपका 78%। वृश्चिक राशि के जातक, क्रोध पर नियंत्रण रखें, छुआरा खाना बड़ा लाभकर होगा, माता पिता के आज्ञा का पालन करें, कहना माने और कोई मद्यपान आदि ना करें, ऐसा योग बन रहा है इसलिए मना किया जा रहा है। सोच समझ कर कार्य करें, उत्तर दिशा से शुभ सूचना मिल सकती है। बैगनी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 8 है,
भाग्य आपका 80% है। तो आपको बता रहे थे कि शुक्र का मिथुन राशि में परिवर्तन, उसी क्रम में आइए जान लेते हैं कन्या राशि से और मीन राशि तक कि इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि के जातक, आपके दशम भाव में शुक्र का आना और शुक्र आपका भाग्येश है और वहाँ आने पर भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन जहाँ काम करते हैं वहाँ मत भिन्नता हो सकती है, ऐसा योग है। तो गणेश जी की पूजा करना लाभकर होगा। तुला राशि के जातक, भाग्य भाव में शुक्र के आने से भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन त्वचा में विकार, इरिटेशन होगा, सफोकेशन होगा, तनाव बढ़ेगा, लेकिन भाग्य में वृद्धि होगी। यात्रा हो सकती है, आपके प्रमोशन हो सकते हैं, वस्त्र का लाभ मिल सकता है, उपहार मिल सकता है, इस तरह का लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातक, आपके रोग भाव में शुक्र का जाना रोग बढ़ सकता है, अचानक कोई रोग हो जाए, परिवार में कुटुंब में किसी बात को लेकर बहस हो जाए, क्या करना चाहिए? आपको एक हवन करना चाहिए। आपको चाहिए हर रविवार आप हवन करें, 2-3 रविवार, बड़ा लाभ होगा। धनु राशि के जातक, जीवन साथी से तनाव मिल सकता है, क्योंकि जीवन साथी के भाव में शुक्र आ गया है, जो शत्रु का स्वामी है आपके, और वो आपके जीवन साथी में आ गया है, तो जीवन साथी से मत भिन्नता का योग बना हुआ है, कुछ ही बात को लेकर के तनाव हो सकता है। छाछ का प्रयोग करें तो लाभ होगा और सफेद वस्तुओं का दान करें, बहुत लाभ होगा। मकर राशि के जातक, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है, मकर राशि के पंचम भाव का स्वामी वो शुक्र है, अब वो अगर आ जाए छठे भाव में मिथुन राशि में, तो पंचमेश का वहां आना ये ठीक नहीं है, यानी 24 दिन तक आपको संतान संबंधी कोई पीड़ा हो सकती है, गर्भ आपका विश्रंखलित हो सकता है, जो लोग गर्भवती हो जाएं महिलाएं, उनका गर्भ गड़बड़ हो सकता है, सावधान रहें। ऐसे में तांबे का प्रयोग करना, तांबे के पात्र में जल पीना ये लाभकर होगा, और साथ ही साथ केला वृक्ष का जल सिंचन करना भी उत्तम होगा। कुंभ राशि के जातक, संतान से मत भिन्नता का योग बना है, शिक्षा में कमी आ सकती है, और कहीं आप यात्रा में जा सकते हैं या किसी से लड़ाई हो सकती है, क्या करना चाहिए? आपको कौड़ी घर में लाना चाहिए, बड़ा लाभ होगा। और मीन राशि के जातक, चतुर्थ भाव में शुक्र के आने पर शुक्र की दृष्टि, दशम दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि अपने उच्च भाव को शुक्र देखेगा, आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में, आपकी विद्वता में वृद्धि करेगा, उपहार मिलेगा, वस्त्र का उपहार मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में लाभ होगा, जीवन साथी से संबंधित लाभ होगा, तो ये सब लाभ मिलने वाले हैं आपको। तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपने जाना द्वादश राशियों पर कि इनका शुभाशुभ क्या होगा, इस बात को आपने जान लिया, समझ लिया। अब शुक्र जब मिथुन राशि में आता है तो त्वचा के विकार हो जाते हैं, तो ये मान्यता है कि ऐसे समय में अपराजिता की जड़, लहचिचड़ा की जड़ घर में लाना चाहिए, धारण करना चाहिए, तो विकार नहीं होंगे। अब वक्त हो गया छोटे से अल्पविराम का, अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं धनु राशि से मीन राशि तक दैनिक राशिफल के बारे में। धनु राशि के जातक, यज्ञ हवन करना लाभकर होगा, श्री गायत्री मंत्र का जाप करें और मंदिरों में जाना बड़ा सुंदर है। आप बड़े बुजुर्ग का सम्मान करिए और संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति करिए, पीले फलों का दान करिए, नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, शुभंक आपका 9 है, भाग्य आपका 91%। मकर राशि के जातक, संतान संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होगी,
संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान यदि कोई गड़बड़ है विचारधारा में, मतभिन्नता में, तो अब उसके लिए बेहतर समय आ रहा है। शिक्षा आप देंगे, लाभ होगा। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा आप पढ़ें और संतान को भी पढ़ने के लिए कहें, बहुत लाभ होगा। और इसके साथ में भोजन जब रात्रि में करें तो गुड़ खाएं, तो उधर विकार नहीं होगा और पैरों में पीड़ा नहीं होगी, आपको लाभ होगा, मानसिक तनाव नहीं होगा। और आज के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपका 8 है, भाग्य आपका 88%। कुंभ राशि के जातक, नवीन कार्य योजना बन सकती है और तकनीकी ज्ञान से आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, उच्चतम पद की प्राप्ति भी हो सकती है। परिवर्तन का योग है और पश्चिम दिशा में आप जा सकते हैं, ऐसा योग बना हुआ है। आज के दिन आपको चाहिए पीले रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका 87%। मीन राशि के जातक, विरोधी परास्त होंगे, कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा, वस्त्र आपको प्राप्त हो सकता है, आपको कोई सम्मान में कोई महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो सकती है, उपहार के साथ में प्रमोशन यानी प्रोन्नति भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि आज के दिन नारंगी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका आज के दिन 92% है। तो वक्त हो गया है आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने का। हमें महावीर मिश्र ने रायबरेली से मेल किया है। 27 अक्टूबर 1980 जन्मतिथि है, रात्रि में 2 बजे जन्म हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में व्यापार करें। व्यापार इनका ठीक नहीं हो पा रहा अभी तक, व्यापार इनका मोरंग का व्यापार है। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने जानना चाहे किस क्षेत्र में करें। महावीर जी, मंगल आपका अष्टम भाव में, तनाव ना करिए, श्री हनुमान जी की उपासना करिए। और आपको चाहिए कि आप जल, दूध और लिक्विड के व्यापार में जब आप जाएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और व्यापार आपका अक्टूबर 19 के बाद प्रारंभ होगा, उसके बाद से बेहतर हो अब उसका आपको परिणाम प्राप्त होगा। और आपको चाहिए नित्य संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें, बहुत कल्याण होगा। अब आइए मूलांक के अनुसार समझ लें कि आज के दिन को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए। मूलांक 1, गुड़ का सेवन करें, भाग्य में वृद्धि होगी। मूलांक 2, आज दही में चीनी मिलाकर खाएंगे तो बड़ा लाभ होगा। मूलांक 3, आज सौंफ का प्रयोग करना लाभकर होगा। मूलांक 4, आज जरा सा जल में जरा सा आप शहद डाल करके पिएंगे, बहुत कल्याण होगा। मूलांक 5, आपको बादाम खाना चाहिए जो लाभकर होगा। मूलांक 6, आज इलायची का सेवन करेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। मूलांक 7, माता लक्ष्मी को आज कमल का पुष्प अर्पण करें और प्रणाम करें, बहुत लाभ होगा। मूलांक 8, श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, उनकी परिक्रमा करें तो आपको लाभ होगा। मूलांक 9, आज के दिन ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करिए, बहुत कल्याण होगा। तो मूलांक पे हमने जाना छोटे सरल उपायों को, जिनको करने पर दिन में शुभता बनी रहेगी। अब आइए दिन को बेहतर करने के लिए एक सलाह ले लें। आज की सलाह है कि जब आप प्रातःकाल पूरे अषाढ़ में जब तक वर्षा हो, जल में जरा सा नमक डाल के स्नान करेंगे तो कभी त्वचा के विकार नहीं होंगे और त्वचा में चमक बनी रहेगी, बहुत लाभ होगा। तो आज के संक में बस इतना ही, कल पुनः किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।